फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें सीखने वाले हैं हम बहुत ही इंटरेस्टिंग डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, अगर नहीं तो अब देख लो, इफ़ नॉट यू कैन सी नाउ। नाउ का मतलब होता है अब। इस सेंटेंस को आप तब यूज़ करेंगे जब आपको कोई कहता है कि हमने तो इसे अभी तक देखा ही नहीं है, तब आप इसको बोल सकते हो, अगर नहीं तो अब देख लो। वह मुझे फूटी आँख नहीं सुहाता, ही इज़ एन आई सोर टू मी। आई सोर का मतलब होता है आँख का काटा, दुख का कारण, यानी कि जिसको देखकर आपको अच्छा ना लगे। जब आप कुछ मैला कुचला या गंदा देखते हैं तो आप क्या बोलते हैं? छी छी छी। देखो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम हाउ डिसगस्टिंग, या फिर हाउ सिकनिंग, या फिर हाउ नेस्टी, या फिर नास्टी। नेस्टी बोलो, नास्टी बोलो, दोनों ही प्रोनंसिएशन सही है। यू कैन ऑल्सो कॉल इट पू पू। नेक्स्ट सेंटेंस इज, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। हिम नन कैन इंजर हुम गॉड प्रोटेक्ट्स। गॉड का मतलब होता है भगवान, प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना, इंजर यानी कि चोट पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। हमेशा मूर्खों को अपने से दूर रखो, ऑलवेज कीप द इडियट्स ऑफ। इडियट का मतलब होता है मूर्ख, कीप रखना। दूसरों के काम में दखल मत डालो, डोंट डिस्टर्ब अदर्स, या फिर डोंट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ अदर्स। वह बहुत चिड़चिड़ा है, ही इज़ वेरी एजी। एजी मीन्स इन हिंदी इज़ चिड़चिड़ा। नेहा ने उसके व्यवहार पर खिल्ली उड़ाई, नेहा वॉज गिगलिंग एट हिज बिहेवियर। गिगल का मतलब होता है खिल्ली उड़ाना, यानी कि किसी का मजाक बनाते हुए धीरे धीरे हंसना। अभी कैसा है तू? सही हूँ। क्या हुआ, क्यों हंसा है तू? अपने चेहरे से देख। दिखा। अरे किसने करा? मैंने किया है। उसने याद करने की कोशिश की लेकिन नहीं आया। सी ट्राइड टू रिमेंबर बट इन वेन। रिमेंबर का मतलब होता है याद करना, ट्राइड का मतलब होता है कोशिश की, वेन का मतलब होता है व्यर्थ। मुझे भी यह चाहिए, आई टू वॉन्ट दिस। इस मामले को मत बढ़ाओ, डोंट ड्रैग दिस मैटर। ड्रैग का मतलब होता है बढ़ाना। किस्मत को कौन टाल सकता है? हु कैन अवॉइड फेट। अवॉइड का मतलब होता है टालना। किस्मत ने हमें मिलाया, डेस्टिनी यूनाइटेड अस। डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, नन कैन डिनाय दिस। डिनाय का मतलब होता है इनकार करना। मैंने उससे शुरू से बताने के लिए कहा, यानी कि आप किसी को कह रहे हो कि जो भी मैटर है, मामला है, उसको बिल्कुल शुरू से बताओ। आई एस्क्ड हर टू से फ्रॉम द स्टार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव करने से पहले हम गूफी वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। गूफी का मतलब होता है हास्यास्पद, यानी कि हंसी का विषय, जिसको देखकर हंसी आए। मैंने अपने सब्सक्राइबर्स के साथ हास्यास्पद फोटो साझा की, आई शेयर्ड अ गूफी फोटो विद माई सब्सक्राइबर्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। बुरे वक्त में झूठ भी सच बन जाता है, लाइज ऑल्सो बिकम ट्रू इन बैड टाइम्स। हमें खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, वी शुडेंट ग्लोरीफाई आवर सेल्व्स। ग्लोरीफाई का मतलब होता है तारीफ करना, महिमा गान करना। उसका दिमाग टेढ़ा है, हिज माइंड इज अराय। अराय का मतलब होता है गड़बड़, टेढ़ा मेढ़ा, सही ढंग से ना सोचने वाला, बातों को उल्टा लेने वाला। सच से नाराज होने वाले लोगों से हमेशा दूर रहो, ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम दोज हु आर एंग्री एट द ट्रूथ।
ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं हिट कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।